अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम, मार्केट एनालिस्ट सफर सिक्योरिटीज। आइए इनसे जानते हैं कि रोल ओवर सेटलमेंट क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। रोल ओवर सेटलमेंट बेसिकली एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी सेटलमेंट है। और ये बुनियादी तौर पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं उस बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़ी वजाहत के साथ कि रोल ओवर सेटलमेंट जो फ्यूचर को कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक डिराइव किया हुआ है प्रोडक्ट, एक मेन प्रोडक्ट से। रेगुलर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी स्टॉक की अगर आप लें तो नेशनल बैंक या पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO का शेयर है, उसका एक सेपरेट काउंटर है जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी है वो इस वक्त 3 महीने का उसका टेन्योर होता है, और 3 महीने की टेन्योर के एक्सपायरी के बाद आपको उसको रोल ओवर करना है अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसी को सेटलमेंट बोला जाता है। तो ये वो डेरिवेटिव्स हैं जो कि मेन प्रोडक्ट से डिराइव किए हुए हैं, जिस तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या उसके साथ साथ पुट एंड कॉल ऑप्शन है। और इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ETF भी आ गए हैं, मुख्तलिफ ETFs हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी अवेलेबल हैं जो कि डिराइव हुए हैं उसकी मेन प्रोडक्ट से। फिलहाल हमारा जो एक्सचेंज है उसका पुट एंड कॉल ऑप्शन पर इस वक्त काम जारी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगी सरमायाकारों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।